हेलो एवरीवन, दिस इज ऑल राइट देयर एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोटोरोला डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मोटो एक्सपोर यूज़ कर रहे हैं और यही सेम प्रोसेस मोटोरोला के सारे फ़ोन्स में यूज़ होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे कैसे रीसेट करना है। तो यहाँ पे आपको साइड में तीन बटन मिलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर मिलता है वॉल्यूम प्लस और माइनस और उसके नीचे पावर बटन। तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को साथ में प्रेस करना है और होल्ड करे रहना है कुछ सेकंड के लिए। और देखिए यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखेगी और इसमें आपकी कुछ डिटेल्स होंगी। आपको इनका कोई यूज़ नहीं करना है, आपको साइड माउंटेड बटन से इसे ऑपरेट करना है। अब यहाँ पे आप रिकवरी मोड में जाएंगे और फिर पावर बटन को प्रेस करके इस कमांड में आप अंदर जा पाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नो कमांड का ऑप्शन मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि पहले आपको पावर बटन प्रेस करना है और फिर आधे सेकंड के गैप पे आपको वॉल्यूम अप बटन प्रेस करना है और फिर दो सेकंड तक होल्ड करके रखना है और फिर आपको वॉल्यूम अप बटन रिलीज़ करना है। फिर आधे सेकंड के गैप पे आपको पावर बटन रिलीज़ करना है और आप कमांड में अंदर आ जाएंगे। और अब आपको जैसे कि अपना फ़ोन फैक्ट्री रीसेट करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर पोजिशन पर आपको वाइप डेटा और फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस पर ऑप्शन पर जाइए और आप पावर बटन को प्रेस करिए, जिससे आप कमांड के अंदर जा पाएंगे। और अब आप यहाँ पे पावर बटन प्रेस करते हैं, देखिए। और अब ये लास्ट टाइम आपसे पूछेगा कि आप अपना डेटा वाइप करना चाहते हैं कि नहीं। और यहाँ पे आप नीचे जाके यस को सिलेक्ट करिए वॉल्यूम डाउन बटन से और पावर बटन प्रेस करके आप कमांड के अंदर जा सकते हैं। और अब आपको यहाँ पे यूज़र डेटा प्लस पर्सनलाइज डेटा को सिलेक्ट करना है और फिर पावर बटन प्रेस करके कमांड के अंदर जाना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन की फॉर्मेटिंग शुरू हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है डेटा वाइप कंप्लीटेड। तो आपका फ़ोन अब पूरी तरह फॉर्मेट हो चुका है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे रीबूट करने का ऑप्शन मिल रहा हो, तो आप यहाँ पे रीबूट सिस्टम नाउ पे जाके पावर बटन को प्रेस कर सकते हैं। और अब आपका फ़ोन 15 टू 20 सेकंड का ड्यूरेशन लेने के बाद फाइनली ऑन होता है। और अब आप अपने मोबाइल को सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट किया है। और अब आप यहाँ पे अपने मोबाइल डेटा की प्रेफरेंस दे सकते हैं और जिस भी सिम से आप नेट यूज़ करते हैं आप उसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको कॉपी और डेटा और सेट एज न्यू करने का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप अपना डेटा कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी और डेटा कर सकते हैं और मैं यहाँ पर सेट एज न्यू करूँगा। और अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो आप अपनी वाईफाई की डिटेल्स अपने यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और अब यहाँ पर फाइनली अपनी आईडी एंटर कर सकते हैं और आपका फ़ोन सेटअप हो जाएगा। और यही था फाइनल प्रोसेस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अवेलेबल कमेंट हमें ज़रूर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।